नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना, इसके बारे में आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जो कि चार धाम के 327 किलोमीटर के रेल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, तो इस 125 किलोमीटर के ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के रेल परियोजना के लिए इस बार कितनी फंडिंग की गई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ में यहाँ पर एक नया कीर्तिमान रचा गया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जो कि RVNL ने यहाँ पर अचीव करा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं इस परियोजना की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको भारत में चल रही अभी तक की सबसे टफेस्ट रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में से एक मानता हूँ। USBRL प्रोजेक्ट भी इतना ही टफ रहा है जब कश्मीर घाटी के आसपास रेल कनेक्टिविटी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसके ही बराबर मैं इक्विवेलेंट इस प्रोजेक्ट को भी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टनल में से ही होकर जाना है ट्रेन को। तो ये 125 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो बताई जा रही है कि 16,216 करोड़ रुपए। अब 16,216 करोड़ रुपए जो ये है, अब इसमें से इस वर्ष के फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इस बार प्रावधान दिया गया है 4,200 करोड़ रुपए का, और ये अखबार में भी आया था। तो जो बजट एलोकेशन है वो अच्छा लग रहा है, देख करके पता लग रहा है कि आने वाले 4 सालों के अंदर ये 16,000 भी अचीव किए जाएंगे। तो लगभग 4,200 करोड़ रुपए इस बार दिए गए हैं, और जिससे कि इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी जो भी पूर्ति होनी है, जो भी पैसा लगना है, वो आराम से हो पाए। इस परियोजना के बारे में आपको बताऊं तो ओनली 125 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में ही 12 रेलवे स्टेशन पड़ने वाले हैं, जिसमें से 105.47 किलोमीटर की जो लॉन्ग 17 टनल्स बनने वाली हैं, 17 टनल दोस्तों, जिसमें से 98.5 किलोमीटर लॉन्ग एस्केप टनल बनेंगी। हमारी असली वाली जो टनल होगी उनके बगल में। एस्केप टनल इसलिए बनाते हैं क्योंकि कभी कभी हमारे आपातकाल की स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें ट्रेन अगर बीच में फंस गई टनल में, तो एस्केप टनल आराम से निकालने के लिए वहाँ पर बनी हो बगल में। यही कारण है कि सिंगल लाइन रखा जाता है इतने ज़्यादा दुर्गम स्थान पर जब भी हम रेल कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, क्योंकि एक ही टनल बनाना बहुत मुश्किल है, उसके साथ में एक एस्केप टनल भी हमें बनाना पड़ती है। टोटल दोस्तों यहाँ पर 16 इंपॉर्टेंट ब्रिजेस बनने वाले हैं, जिन 16 ब्रिजेस की जो लेंथ है वो 2835 मीटर है, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास इन 16 ब्रिजेस की लेंथ होने वाली है। और दोस्तों दो डेडलाइन बताता हूँ, 2023-24 तक ऋषिकेश से देवप्रयाग का काम पूरा करना है, ये लक्ष्य रखा गया है, ये इसकी डेडलाइन है। फिर देवप्रयाग से कर्णप्रयाग तक का काम 2024 से 2025 के बीच तक करना ही करना है। अब यहाँ पर पड़ने वाले कुछ मेन स्टेशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वीरभद्र रेलवे स्टेशन, जो कि आप जानते हैं हरिद्वार से आगे चलते वक्त। फिर न्यू ऋषिकेश, जिसको हम आज कहते हैं योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन YNRK, जिसका कोड है। इसके बाद शिवपुरी, बयासी, देवप्रयाग, मीठा, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर, गौचर एंड आखिर में कर्णप्रयाग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन होने वाले हैं। पहाड़ के लोगों की जो सोच है, जो उनकी आस है इस रेलवे प्रोजेक्ट से, वो मैं हरिद्वार में रहते हुए बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि कई सारे मैंने लोगों को देखा है, कोई मेरे दोस्त भी हैं उनको भी मैंने देखा है, कितनी सारी दिक्कतों को फेस करके वो ऊपर से आते हैं काम काज ढूंढने के लिए। तो अगर रेल कनेक्टिविटी होगी तो दोस्तों मतलब रेल एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पहुँच जाती है वहाँ का विकास अपने आप ही होने लगता है, लोगों के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। वही आने वाली है कुछ आने वाले सालों के अंदर उत्तराखंड में। तो 1 किलोमीटर की टनल का एक्सकेवेशन कर दिया है RVNL ने, ये अभी की खबर है जिसको हर ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया है जो भी रेलवे से जुड़ा हुआ है। तो 1 किलोमीटर की टनल का एक्सकेवेशन मतलब कि उत्खनन या फिर खुदाई का काम पूरा हो चुका है RVNL के द्वारा। रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसका काम संभाला हुआ है, इसमें इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट को कई सारी कंपनीज को दिया गया है। इसको आगे भी आराम से एक्सप्लेन करता रहूँगा और भी नई वीडियोस में, किस तरीके से कौन सी कंपनी किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का बाहर से मंगवा करके यहाँ पर यूज़ कर रही हैं, और इतना ज़्यादा मुश्किल काम को ये इंजीनियर्स कैसे कर रहे हैं। तो RVNL तो इसको सुपरवाइज्ड कर रहा है, इसके साथ में नॉर्दर्न रेलवे भी, और उसके बाद फिर नीचे जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। 1 किलोमीटर की जो टनल है उसकी खुदाई का काम पूरा हो चुका है, 17 टनल टोटल बननी है 125 किलोमीटर में, जिसमें आपको मैंने पहले बता दिया कि लगभग 106 किलोमीटर तक का जो लॉन्ग टनल का ही रास्ता होने वाला है। तो इसमें 1 किलोमीटर की खुदाई को हमने अभी अचीव कर लिया है, बाकी
नीचे से भी काम चल रहा है और ऊपर से भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि हम ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन बना करके तैयार कर दिया है। आप लोग तो जानते हैं कि योग नगरी ऋषिकेश अब खुल चुका है, लेकिन काम ऋषिकेश के ऊपर भी इस साइड से भी चल रहा है और ऊपर से नीचे आते वक्त भी चल रहा है। तो ये सारे काम दिखाने के लिए बहुत सारे हमारे लोग आगे आए हैं, उत्तराखंड के कई सारे नए यूट्यूबर्स आगे आए हैं, और आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, उनको सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि वो आपको डेली न्यू अपडेट्स देंगे और जो कि आपको हमेशा खुश करेगी। अरधाम रेलवे प्रोजेक्ट बिल्कुल सही रास्ते पर है और बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है। तो देश के हर व्यक्ति के लिए ये रेलवे प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, मैं जानता हूँ। यही कारण है दोस्तों इस प्रोजेक्ट में मेरा खासा इंटरेस्ट है और आपको अच्छे से जानकारी मैं देने का आश्वासन देता हूँ, तो आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी। तो सभी को सपोर्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।